हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। प्रोजेक्ट एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। अब फ्रेंड्स, अपन क्वेश्चन आंसर की ओर फोकस करते हैं। अपन ने लोकस काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सारे अपन सर्कल में पढ़ चुके हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुके हैं, सर्कल भी पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स में। तो अब इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो अपन को कह रखा है कि फाइंड लोकस ऑफ जेड, लोकस ऑफ जेड फाइंड आउट करना। और ये अपने को कंडीशन दे रही है, ए बी सी डी, अलग अलग क्वेश्चन है सारे, है ना, जी तक। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में अपन को जेड का लोकस फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, मोड जेड माइनस वन प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू थ्री, है ना। क्या दे रखा है, मोड में जेड माइनस वन प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू थ्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसको इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स सर्कल को। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच की डिस्टेंस को शो कर रहा है। कितनी डिस्टेंस है, थ्री, और ये फिक्स डिस्टेंस है, हमेशा थ्री रहेगी। तो सर्कल का सेंटर क्या होगा, जैसा अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू थ्री, और जेड वन सर्कल के सेंटर है। तो यहाँ सर्कल का सेंटर क्या होगा, वन कोमा टू, ये सर्कल का सेंटर होगा। रेडियस कितनी होगी, थ्री, और ये होगा लोकस, ये रेडियस हुई थ्री। तो फ्रेंड्स, 1,2 सर्कल का सेंटर है, 3 रेडियस है, ये सर्कल बन गया, तो ये लोकस आ गया। तो लोकस क्या आया, एक ऐसे सर्कल का सर्कमफेरेंस जिसका सेंटर 1,2 है एंड रेडियस क्या है, 3। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो चुका है, नोट डाउन करें। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये डिस्टेंस है जेड की डिस्टेंस 1,0 से, जेड की डिस्टेंस 0,1 से। देखिए, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल है फ्रेंड्स। जेड की डिस्टेंस किससे, एक तो देखो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, 1,0, एंड ये वाला पॉइंट क्या हुआ, 0,1, क्योंकि आयोटा है, तो आयोटा है तो 0,1। तो एक पॉइंट से जेड की डिस्टेंस, एक तो 1,0, 0,1 से ऑलवेज क्या रहेगी, सेम। तो अपन इनको एग्जैक्ट कहाँ आता है, एग्जैक्ट ये ऐसे आता है, अगर मैं रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस बनाऊं तो 0,1 तो यहाँ आता है, 1,0 यहाँ आता है, ऐसे आता है एक्चुअल में, ऐसे आता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को मिलाएं अपन, और अब क्या होगा, जेड पॉइंट क्या कह रहा है, जेड पॉइंट क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अपन ने जस्ट पिछले टॉपिक में सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो इनका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इनको एड करके 0 + 1 / 2, 1 / 2, 1 एंड 0 / 2, 1 / 2, 1 / 2, 1 / 2 ये पॉइंट आया। तो फ्रेंड्स, 1 / 2, 1 / 2 कब आएगा, जब लाइन की इक्वेशन कैसी हो, y इज इक्वल टू एक्स हो, तभी तो 1 / 2, 1 / 2 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ, y इज इक्वल टू एक्स, ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन हुई, क्योंकि पॉइंट क्या आया, 1 / 2, 1 / 2 तभी पॉसिबल है जब y इज इक्वल टू क्या हो, x। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स। नंबर थर्ड पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नंबर थर्ड ये वाला क्या बोल रहे हैं, जेड माइनस 4 आयोटा प्लस जेड प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 10, यानी जेड की 4 आयोटा एंड जेड की माइनस 4 आयोटा, जेड की 4 आयोटा यानी 0,4 एंड 0,-4 से डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहती है, 10। ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये इलिप्स का फॉर्मूला हुआ। इलिप्स का क्या फॉर्मूला था, इलिप्स की क्या डेफिनेशन थी, कि लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट विच मूव सच दैट डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज सेम, उसको क्या बोलते थे, इलिप्स बोलते थे, है ना। तो ये देखो, इसकी डिस्टेंस, ये जेड ऐसे मूव करेगा, ये जेड है, जेड की डिस्टेंस किस किस से, एक तो ये हो गया इससे, तो यहां से देखें तो 0,4 एंड यहां से देखें तो 0,-4, है ना। इनसे जेड की डिस्टेंस है, इसका सम क्या है, ऑलवेज 10 है, सम क्या है, ऑलवेज 10, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, 10। तो ये क्या हुआ, इलिप्स हुआ, इलिप्स हुआ। तो फ्रेंड्स, अब इसका लोकस क्या होगा, इसका लोकस होगा इलिप्स। अब इलिप्स की फोकाई पूछे कि फोकाई क्या है, तो फर्स्ट फोकाई तो ये हो गई S1, सेकंड फोकाई ये हो गई S2, है ना। एंड इलिप्स की आपको पूछे कि मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है फ्रेंड्स, आपको पता है कि मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, इन दोनों के, नहीं सॉरी, ये वाली डिस्टेंस होती है, जो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस का सम, जैसे ये L1 है, ये L2 है, L1 प्लस L2 का सम किसके इक्वल होता है, मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। तो L1 प्लस L2 यानी क्या हो गया, 10। तो 2a इज इक्वल टू 10 हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, 5। अपन ने मेजर एक्सिस को a मान लिया, ज़ूम कर लिया, एंड ये डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज 2ae, आपको याद होगा ये डिस्टेंस बीच की क्या होती है, 2ae, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2ae इज इक्वल टू 8, यानी ae इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। और ae को अपन c से भी इंडिकेट करते थे, अपने पास a b c होते थे। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर इसेंट्रिसिटी की बात की जाए, e इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन a, C की वैल्यू क्या है, 4,
ए की वैल्यू क्या है 5, तो आंसर क्या हो गया 4/5, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी 4/5। तो ऐसे आप इलिप्स की इक्वेशन को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, आपके पास ई है, आपके पास मतलब सी आ गया, आपके पास ए है, तो आप बी भी निकाल सकते हैं। बी कैसे निकालोगे, इलिप्स आपने पढ़ा होगा, इलिप्स में ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इलिप्स में क्या होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या ए की वैल्यू पुट करें सी की पुट करें तो बी भी आ जाएगा। इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सब कुछ चीजें आप कर सकते हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहां तक सी पार्ट तक अपना क्लियर है, तो मैं इसको सभी को क्लियर कर रहा हूं, आप एक बार नोट डाउन कर लें। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जेड माइनस वन प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू 1, यानी जेड की 1,0 से एंड माइनस 1,0 से, सॉरी 1,0 एंड माइनस 1,0 से डिस्टेंस ये है ऑलवेज 1 है। देखो इसका ये भी इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ये डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बनेगा ये 1,0 सॉरी माइनस 1,0 ये 1,0, ये तो माइनस 1,0 ये 1,0, इससे डिस्टेंस क्या है इसकी जेड डिस्टेंस क्या है ऑलवेज, इसका सम क्या है 1 दे रखा है, इसका सम क्या दे रखा 1, और इनके बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो फ्रेंड्स कितनी आ रही है, इनके बीच में डिस्टेंस आ रही है 2। अब फ्रेंड्स देखना आप, आपको ये सपोज L1 है ये L2 है, तो आपको क्या गिवन है कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, मतलब इन दोनों डिस्टेंस इनका डिस्टेंस का सम क्या है 1 है और ये डिस्टेंस क्या है 2। तो फ्रेंड्स क्या ये ट्राइंगल रूल को, ट्राइंगल मतलब बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ टू डिस्टेंसेज ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, जबकि इन दोनों का सम क्या हो रहा है इससे लेस हो रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ना तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ना ये इलिप्स बनेगा। कहने का मतलब ये सिचुएशन क्या हुई, ये सिचुएशन हुई नॉट पॉसिबल, भाई ये सिचुएशन आ ही नहीं सकती, ये सिचुएशन आ ही नहीं सकती, तो अपन क्या लिखेंगे नो लोकस, कि ऐसे कोई पॉइंट है ही नहीं तो लोकस कहां से निकाले, इसका मतलब क्वेश्चन ही क्या है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अपने पास अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है जेड माइनस वन लेस देन 1 है ना। तो फ्रेंड्स अगर ये जेड माइनस वन इक्वल टू 1 होता तो किसको रिप्रेजेंट करता, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता, किसको करता सर्कल को, सर्कल का सेंटर क्या होता फ्रेंड्स 1,0, रेडियस क्या होती, ये तो सेंटर हो गया, एंड रेडियस क्या होती, रेडियस होती 1 है ना। तो सर्कल कैसा बनता, ऐसा बनता, सेंटर क्या होता 1,0, रेडियस क्या होती 1। वो पूछा क्या फ्रेंड्स आपको कि जेड माइनस वन लेस देन 1, जेड माइनस वन लेस देन 1 मतलब ये इनर पार्ट जितना भी है सर्कल का है ना इक्वल टू 1 होता तो सर्कमफेरेंस आती, लेस देन 1 है तो इनर पार्ट आएगा, और ये ग्रेटर देन 1 होता तो कौन सा पार्ट आ जाता, ये बाहर वाला आउटर पार्ट सारा आ जाता। तो कहने का मतलब ये किसको शो करेगा, इसका लोकस शो करेगा सर्कल के सारे इनर पार्ट को, इनर पार्ट ऑफ सर्कल। नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स क्या बोला है, जेड माइनस वन, जेड माइनस वन का मतलब वन, सपोज जेड माइनस, यहां पे दो क्वेश्चन लेते हैं अपन अलग अलग, जेड माइनस वन इक्वल टू 1 फर्स्ट, ए सेकंड ले आप जेड माइनस वन इक्वल टू 3। अगर मैं इनको दो अलग अलग क्वेश्चन में ऐसे तोड़ देता हूं तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ये भी सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर क्या है इसमें, इसमें सर्कल का सेंटर है 1,0 एंड रेडियस क्या है 1, इसमें सर्कल का सेंटर क्या है फ्रेंड्स, सर्कल का सेंटर है 1,0 एंड रेडियस क्या है 3, ये है फ्रेंड्स। तो ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, तो देखो सेंटर तो सेम है, तो दो अपने पास क्या मिले कंसेंट्रिक सर्किल मिले, तो 1,0 इसका सेंटर है, ये तो रेडियस 1 हो गई है ना, एंड सेकंड वाले की रेडियस क्या हो गई, ये 3 हो गई, कंसेंट्रिक सर्किल है मतलब सर्कल के सेंटर क्या है सेम है, सर्कल के सेंटर क्या है सेम, रेडियस फर्स्ट वाले सर्कल की 1, सेकंड वाले की 3। अब देखना आप ध्यान से, जेड माइनस वन ग्रेटर देन 1, तो केवल ये कंडीशन होती है कि जेड माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां पे मैं हटा के ऐसे कर दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इक्वल टू 1 पे तो ये सर्कमफेरेंस आ गई पूरी की पूरी, जेड माइनस वन इक्वल टू 1 पे तो मुझे सारी की सारी ये सर्कमफेरेंस मिल गई, ये पूरी की पूरी सर्कल की ये वाली सर्कमफेरेंस, ठीक है, एंड जेड माइनस वन ग्रेटर देन 1 पे मुझे क्या मिला, ये वाला आउटर पार्ट, आउटर स्पेस है जो इस सर्कल का, कंप्लीट आउटर स्पेस इनफाइनाइट, ये जो इनफाइनाइट आउटर स्पेस है पूरा मिल गया। सेकंड जेड माइनस वन लेस देन 3, लेस देन 3 होने का मतलब क्या हुआ, जेड माइनस वन लेस देन 3 होने का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि अपने को ये वाला जो सर्कल है इसका इनर पार्ट पूरा कंप्लीट, इनफाइनाइट इनर पार्ट पूरा का पूरा, ठीक है,
मतलब ये अंदर तक जो ये पूरा का पूरा जीरो तक आ जाएंगे अपन, जीरो तक आ जाएंगे, जितना भी इन्फा जीरो तक आने में जो पार्ट आएगा वो पूरा कवर हो जाएगा ऐसे, है ना यू। अब इन दोनों का अपन इंटरसेक्शन ले, इन दोनों पार्ट्स का, तो मुझे कौन सा मिलता है, मुझे ये वाला पार्ट मिलता है अंदर वाला, ये वाला केवल जो इनके बीच में आ रखा है, एंड ये सर्कमफेरेंस जो इसकी सर्कमफेरेंस है ये इंक्लूडेड है, इसकी सर्कमफेरेंस इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि लेस देन थ्री है, ये वन ग्रेटर देन इक्वल टू है इसलिए इसकी सर्कमफेरेंस स्मॉल सर्कल की सर्कमफेरेंस इंक्लूडेड है। तो स्मॉल सर्कल की सर्कमफेरेंस से लेके आउटर सर्कल की सर्कमफेरेंस के अंदर तक का पार्ट पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये होगा इसका लोकस। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आर्ग्यूमेंट जेड, आर्ग्यूमेंट जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्ग्यूमेंट जेड रिप्रेजेंट करता है अपने को, अगर मैं ये लिखता आर्ग्यूमेंट जेड, तो आर्ग्यूमेंट जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके इक्वल टू एक एंगल एल्फा ले लें आप, अपन पढ़ चुके हैं पहले एक, है ना, तो आर्ग्यूमेंट जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू एल्फा ऐसे लिख सकते हैं। ये एक किसको रिप्रेजेंट करती है, एक रे को रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, एक रे, है ना, लाइट रे को रिप्रेजेंट करती है, जो कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी एंड कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और वो एंगल क्या बनाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाएगी, ये कहानी होती है फ्रेंड्स। तो अब यहां पे ये जीरो है उसके इक्वल या उससे ज्यादा, तो जीरो के इक्वल या उससे ज्यादा मतलब रियल एक्सिस आ गई पूरी पूरी, एंड पाई बाई फोर से लेस, तो सपोज ये पाई बाई फोर है इसका एंगल, ये पाई बाई फोर एंगल है ना ये वाली रे का, तो एक रे तो अपन ने ये ली, एक रे ये ली जिसका एंगल पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर से लेस देन इक्वल टू जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो फ्रेंड्स समझ जाए आप, ये एक रे को रिप्रेजेंट करती है, तो जब जीरो के इक्वल लेंगे तो ये रियल एक्सिस आ जाएगी, एंड जब पाई बाई फोर लेंगे तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये आ जाएगी, इनके बीच का जो ये टोटल पार्ट है इधर नहीं आएंगे अपन, जीरो से स्टार्ट होगी बीच का अंदर का, एंड ये रियल एक्सिस एंड ये लाइन भी इंक्लूड है, ये वाला सारा पार्ट क्या कहलाएगा, लोकस कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं आर्ग्यूमेंट जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी रे को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास होती है एंड आगे जाती है, ओरिजिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो ओरिजिन स्टार्टिंग जीरो लेंगे, जब इक्वल टू जीरो लेंगे तो रियल एक्सिस, इक्वल टू पाई बाई फोर लिया तो ये जीरो से ग्रेटर, पाई बाई फोर से लेस तो ये बीच का पार्ट, साथ में इक्वल का साइन भी है तो ये भी इंक्लूड होंगे, तो ये हुआ इसका लोकस, नोट डाउन करें।